स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ बच्चों अगर हम कॉपी चेकिंग की बात करें तो आप सब जानते हैं कॉपी चेकिंग कंप्लीट हुई है क्लास टेंथ की ट्वेल्थ की नहीं हुई है और बोर्ड जितने सारे ना उनमें बोर्ड से लग गई है रिजल्ट निकालने की है ना आप सभी जानते हैं यूपी बोर्ड में बहुत से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग साठ लाख बच्चे अपेयर हुए थे सीबीएसई बोर्ड से लगभग दुगने बच्चे एक साथ एग्जाम हुआ था पंद्रह दिन में उन्होंने एग्जाम भी ले लिया और रिजल्ट भी निकाल दिया अब सीबीएसई के अंदर भी है हलचल कि रिजल्ट जल्दी जल दिया हलचल बच्चों में ज्यादा है कि हमें भी रिजल्ट जल्दी से दे दो भाई क्योंकि बच्चे पैनिक कर रहे हैं पैनिक कर रहे हैं डरे हुए हैं घबराए हुए हैं रोज कई बच्चों के मैसेज आते हैं मैं कुछ बच्चों के रिप्लाईज करना चाहूंगी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप थ्योरी में ट्वेंटी ला रहे हैं ठीक है आई डोंट नो कि आप कौन से क्लास में टेंथ में या ट्वेल्थ में अगर आप थ्योरी में ट्वेंटी ला पा रहे हैं अगर आप टेंथ के हैं तो प्रैक्टिकल में तो आपको एटीन कम से कम मिला होगा तो यू आर गेटिंग थर्टी एट ठीक है तो इसके बेसिस पर ही आप पास है इसके अलावा जो अटेम्प्ट लिया होगा और स्टेप मार्किंग की होगी उसके तो नंबर आपको मिलेंगे अगर आप ट्वेल्थ में है ठीक है तो भी प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही और थ्योरी में 20 का आपने लिख दिया है तो टीचर आपको कोशिश करके सात नंबर तो आपको छह सात नंबर दे ही देंगे अटेम्प्ट के बेसिस पर स्टेप मार्किंग के बेसिस पर मॉडरेशन के बेसिस पर तो एनी वे यू आर गोइंग टू पास आप फेल नहीं होंगे अगर कोई भी बच्चा इट्स नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स आप बीस के आसपास तक सही लिख चुके तो आप बिल्कुल मत डरिए मत घबराइए आप हंड्रेड परसेंट पास होंगे अगर आप फेल हो जाए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मैंने इतना मार्क्स का लिखा था और मैं फेल हो गया या फेल हो गई आप बिल्कुल नहीं फेल होंगे आप पास होंगे एंड देन ऑल्सो राइट आप मुझे बताइए कि आप सच में पास हुए कि नहीं पास हुए और एक बात और मुझे बताइएगा कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपके नंबर आए कि नहीं अब एक चीज क्लियर करूंगी एक्सपेक्टेशन का ये मतलब नहीं होता कि मैं डे ड्रीमिंग करना शुरू करूँ की वो एक्सपेक्टेशन नहीं है वो तो फिर ड्रीमिंग हो गई एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि आपने जितना लिखा है और आपको सही मार्किंग स्कीम का अंदाजा है उसके हिसाब से आपने बिठाया है कि आपके इतने आने चाहिए तब उससे ऊपर आपका आएगा आपने प्री बोर्ड दिया है प्री बोर्ड में टाइट चेकिंग होती है प्री बोर्ड में जितने नंबर आए थे उससे आपका एक्सपेक्टेशन से आएगा ही उससे कम नहीं आता क्योंकि प्री बोर्ड में मार्क्स कम कम करके दिए जाते हैं ठीक है लेकिन अगर प्री बोर्ड में भी आपने किसी दूसरे की कॉपी उतारी है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है है ठीक तो अब मैं बात करूंगी फिर से आपके रिजल्ट की कॉपी चेकिंग तो हो गई है लेकिन रिजल्ट यकीन मानो जो टेंथ के रिजल्ट आ रहे हैं बहुत अच्छे जो भी कॉपी चेकर से इवेलुएटर से हुए बोल रहे हैं कि टेंथ में फेल शब्द को तो बच्चे हटा ही दो बच्चे पूछते हैं क्या हम फेल हो सकते हैं नहीं सीबीएसई आपको फेल नहीं करना चाहती बहुत कम बच्चे हैं जिनका कॉम्पार्ट भी आएगा सीबीएसई का काम है आपको मोटिवेट करना आपको उठाना ना कि आपको गिराना स्टूडेंट के बेनिफिट में जो कुछ भी हो सकता है सीबीएसई हार्ड टू डू दैट पासिंग परसेंटेज इस पर काफी हाई आ रहा है पासिंग स्कीम बहुत ही रोबस्ट है हाई स्कोरिंग बच्चे भी हैं ऐसा नहीं है कि जो न्यूज में आया था कि टॉपर्स की लिस्ट बहुत छोटी है तो एक्चुअल में बहुत छोटी नहीं है देट वॉज अल साइज और देखा गया कि बहुत से बच्चे हैं जो वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रख रहे लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इस बार नाइनटी फाइव प्लस वाले बच्चे हैं ही नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है नाइन्टी फाइव प्लस वाले बच्चे भी हैं क्लास टेंथ में तो बहुत सारे ट्वेल्थ में चुकी देखो पासिंग भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सिलेबस भी हाई होता है तो ट्वेल्थ की जो होती है परसेंटेज वो थोड़ी सी घट जाती है पासिंग परसेंटेज लेकिन टेंथ की जो कॉपी चेकिंग हुई है बहुत अच्छी आई है फेल शब्द को आप अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए फेल कोई नहीं हो रहा कुछ ही बच्चे हैं जिनका कॉम्पार्टमेंट आएगा तो पैनिक नहीं करोगे अगर आपने लिखा है फिर भी अगर कॉम्पार्ट आ रहा है तो क्रॉस चेक करेंगे कि क्या हमने सच में ऐसा हुआ है या फिर रिजल्ट को फिर से हमें रिवेल्युएट करने की जरूरत है यू हैव सेवरल ऑप्शन रिवेलुएशन करा सकते हो कॉपी चेकिंग फिर से करा सकते हो ठीक है उसके बावजूद अगर नंबर नहीं बढ़े तो कॉम्पार्टमेंट एग्जाम आपके सामने है एक महीने बाद एग्जाम भी है फिर से दो और फिर से पास कर जाओ सो देर इज नो बिग डील इन दैट ठीक है अब देखो आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ये बच्ची है Isn't it surprising? अब बताओ इस बच्चे पे क्या होगी एक बच्चा जो नाइनटी सिक्स परसेंट ला रहा है ओवरऑल उस बच्चे का सोचो कि उसने कितनी मेहनत की होगी आप सब में से भी कई बच्चे होंगे जो इतने परसेंट लाएंगे है ना तो आप सोचो की अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं इतना ला पाऊंगी कई बच्चे जिनके प्री बोर्ड में 87, 88 आते हैं वो बोर्ड में नाइन्टी फाइव क्रॉस कर जाते हैं ठीक है तो जिन बच्चों के 85, 86 प्री आए हो आप भी नाइनटी फाइव के रेंज में आ सकते हैं क्योंकि मैंने देखा हुआ है मेरे हर साल कई बच्चे ऐसे है होते हैं जिनसे मैं ही एक्सपेक्ट नहीं करती कि नाइन्टी क्रॉस कर पाएंगे और वो नाइन्टी फाइव रेंज में चले जाते हैं ठीक है तो ऐसा होता है अब सोचो इस बच्चे पे क्या विधि होगी जबकि यूपी बोर्ड में कॉपी चेकिंग इज नॉट दैट लिबरल जितना सीधे बोर्ड में है। अब एक तरीका या तो पैनिक करेंगे दुखी हो जाए फ्रस्ट्रेट हो जाए या दूसरा रीवैल्यूएट करें कि हुआ क्या जिस बच्चे के 96% आए हैं ऑबवियसली बात है सी द रिजल्ट अब इनकी कॉपीज देखो हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस संस्कृत तो अब थ्योरी में तो देखो कितने अच्छे-अच्छे नंबर 65 67 67 52 67 वेरी गुड मार्क्स प्रैक्टिकल में देखो ना ह्यूमन एरर की वजह से थ्री 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 बच्ची का जो तो रिजल्ट अब चूंकि ये न्यूज इसलिए बन गई क्योंकि इसके थ्योरी में सब मिलाकर तो समझ लेगा कि ये बच्ची फेल नहीं हो सकती कई बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो सेवेंटीज में होंगे उनके साथ भी ऐसा टाइप एरर हुआ होगा है कि नहीं तो ज में होंगे जिनके साथ टाइपो एडर हुआ होगा तो जब भी रिजल्ट आए तो पैनिक नहीं करने लगो कि यार मैं सचमुच फेल हूं एक बार आ, होश में रह के आंखें खोल के देखो कि क्या आप सच में आप फेल हो गए हो कम पार्ट लग गया या फिर कुछ टाइपो एरर भी हो सकता है तो देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज उस पर गौर करते हैं ना कि दुखी होने लगते हैं कि भाई अब तो पेरेंट्स से गालियां बढ़ेंगे ऐसी कोई बात नहीं है कॉपी चेकिंग में ऑल द पॉसिबल ऑप्शन जिससे आपको पास किया जा सके ग्रेस मार्क्स भी दिए जा रहे हैं छे सात नंबर तो बिल्कुल दिए जाते हैं मैंने बताया था आपको एक सब्जेक्ट में अगर आपके टेन परसेंट की रेंज में कमी है तो टेन परसेंट तक दिए जाते हैं दो सब्जेक्ट पे भी दिए जाते हैं अगर मान लो कि दोनों में पांच पांच परसेंट से आप बच रहे हो पास होने से तो दिए जाते हैं मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने तरह तरह के मार्क्सिट दिखाए थे जिसमें ये दिखाया था जैसे टेंथ और ट्वेल्थ में बच्चों को कंफ्यूजन होता है टेंथ के बच्चों को कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के उनको थर्ट थ्री जाना है तो दिस इज ट्रू तो मैंने ऐसे मार्क्सिट्स आपको दिखाया आपके क्लियर बहुत से बच्चे अभी भी पूछते हैं बेटा अगर एमसीक्यू में आपने अटेम्प्ट लिया है और वो अटेम्प्ट रॉन्ग है तो आपको वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि तो आपने ये शॉर्ट आंसर्स नहीं है लॉन्ग आंसर्स नहीं है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में जब आप अटेम्प्ट लेते हो तो आपको उसके नंबर मिलते हैं एमसीक्यू का क्या है इट इज आइदर राइट और रॉन्ग तो जब आइदर राइट और रॉन्ग है तो वहां पर स्टेप की गुंजाइश नहीं है या अटेम्प्ट की गुंजाइश नहीं है

ये बच्ची पास थी बट बिकॉज ऑफ द टाइपो एरर उसका रिजल्ट फेल दिखा सकता है तो ये आपके साथ भी हो सकता है तो आपको डरने के बदले अवेयर रहना है कॉन्शियस रहना है ठीक है सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों तक भी पहुंचाइए